कान का नाम है। जैसे ये आँख है, ये बाहर देखती है। आँख बाह्यकरण है जो शरीर से बाहर काम करती है। कान बाह्यकरण है, ये शरीर से बाहर की ध्वनियाँ सुनता है। ठीक है, तो आँख नाक कान ये सारी इंद्रियाँ ये शरीर से बाहर काम करती हैं, इनको कहते हैं बाह्यकरण। करण माने इंस्ट्रूमेंट, साधन। और मन अंतःकरण है। अंतःकरण का मतलब जो शरीर के अंदर काम करता है उसको अंतःकरण। तो मन अंदर के काम करता है, आँख बाहर के काम करती है, इसलिए आँख बाह्यकरण, मन अंतःकरण। अब ये कहाँ रहता है? तो मन रहता है मस्तिष्क में। कैसे पता चला? मन के जो कार्य लिखे हैं शास्त्रों में, न्याय दर्शन आदि में जो मन के कार्य लिखे हैं, वो लिखे हैं सोचना, चिंतन करना, विचार करना, ऊहा करना, स्मृतियाँ उठाना, ये सारे काम मन से होते हैं। और अगर स्थूल शरीर में देखें तो सोचना, विचार करना, ऊहा करना, चिंतन करना, स्मृति उठाना, वो इस हिस्से से होता है, ब्रेन वाले हिस्से से। कोई कंधे से तो नहीं सोचता होगा, या घुटने से तो स्मृतियाँ नहीं उठती होंगी, यहीं से उठेंगी। तो मेडिकल वाले बताते हैं, साइंस वाले, कि इस हिस्से में से ही स्मृतियाँ होती हैं, इसी में हम ऊहा करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, इसलिए मन का कार्यालय यहाँ पर है, इस ब्रेन में। तो आचार्य जी, मन और मस्तिष्क एक अलग चीज़ है। मस्तिष्क तो इस स्थूल शरीर, स्थूल गोलक का नाम है, जो ये ब्रेन है, ये है मस्तिष्क। इसके अंदर एक और दूसरी वस्तु है जिसका नाम है मन, वो इसके अंदर रहता है। ये दोनों मिल करके काम करते हैं, वो छोटा पुर्जा है, बहुत सूक्ष्म है, उसको इसकी सपोर्ट चाहिए, ब्रेन की, उसके बिना काम नहीं करता। ब्रेन को मन की सपोर्ट चाहिए और मन को ब्रेन की सपोर्ट चाहिए, दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए, और इन दोनों को फिर पीछे चेतन जीवात्मा की सपोर्ट चाहिए, तब ये काम करेंगे, उसके बिना नहीं करेंगे। ठहरो ठहरो, एक का निपटा दें पूरा, बोलो आपको समझ में आया? मन एक सूक्ष्म शक्ति है, सूक्ष्म पदार्थ है, ये उसका ऑफिस है, ब्रेन। इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, इंद्रियों के भी बहुत सारे सेक्शन हैं। आजकल जो मेडिकल साइंस वाले वो कहते हैं कि इस ब्रेन के एक हिस्से में हमको गंध का पता चलता है, एक हिस्से में हमको रूप का पता चलता है, एक हिस्से में हमको रस का, टेस्ट का पता चलता है, ऐसे उनकी व्याख्या है जो मॉडर्न बायोलॉजी वाले हैं। तो मतलब उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ब्रेन में ही आती है, आँख की, कान की, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की। तो ये सारा जो इंटेलिजेंस वाला काम है वो सारा इसी ब्रेन से होता है, और ये सारे जो मैसेज आते हैं ब्रेन में उसको मन एक्सेप्ट करता है, पकड़ता है, और मन पकड़ के फिर वो आत्मा को पहुंचा देता है। देखो साहब, ये मैसेज आ रहा है, आप बताओ क्या करना है, चालू रखें या बंद करें? अगर अच्छा मिठाई खा रहे हैं, टेस्टी आ रही है, तो आत्मा के हाँ आने दो, आने दो, अच्छा है, आने दो। और कड़वी कुनीन खा ली तो आत्मा के है क्या खिला दिया, बंद करो इसे, तो वो मना कर देगा। तो इस तरह से इनका सारा मिलजुल के काम चलता है। सबसे पीछे ऑपरेटर आत्मा है, उसके बाद मन है, मन के बाद इंद्रियां हैं, और इंद्रियां अपने विषयों के साथ कनेक्ट होती हैं, तब ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। चित्त और मन एक ही वस्तु है, दो नाम हैं, वस्तु एक है, उसको चित्त और मन इस नाम से कहा जाता है। और क्योंकि इसके फंक्शन दो अलग अलग हैं, मन का फंक्शन बताया है सत्यार्थ प्रकाश में, चिंतन करना, विचार करना, और चित्त का काम बताया स्मृति उठाना, स्मृतियाँ उठाना, स्मरण करना, ये चित्त का काम है। तो ये दोनों काम एक ही पुर्जे से होते हैं, इसलिए वो दो नाम भले ही रख दिए, पुर्जा एक ही है, चित्त भी और मन भी, दोनों नाम एक ही पुर्जे के। स्वामी जी,